poi c'è anche Zarno da Redondo una volta, e ci personaggi su Cacciardì, in Malgheraggi o Ciamicciarmaggi, e a Mario Rispieta, la scaricaccia, la Vinetaga, in parte di mamma, ma lei è stessa delle... मेरी कॉलेज के मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज लंबे अरसे से जिसका इंतजार था 500 बेड का चिकित्सालय शुभारम्भ होना आज संभव हुआ। उसके तमाम आप सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद। इस प्रकार पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, आप सबकी दुआओं से, आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से, तब हम लोगों ने ये कल्पना की थी आबादी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल समझ कह रही था। उसके आधार पर हमने बड़े निर्णय किए, प्राइवेट कॉलेज भी पहली बार बना दी थी, फिर पहली बार 20 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे। उसके बावजूद भी ऐसा लगता था कि सरकारी सेक्टर में भी मेडिकल कॉलेज आ सकता है, और ये सोच करके जिलों में कई जगह मेडिकल कॉलेज खुले हैं, पर साथ साथ जयपुर में एक और मेडिकल कॉलेज खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 4 से 6 करोड़ में रखे गए बजट के अंदर, और वो जो सपना था आज मैं देखता हूँ कि छात्रों का 5 अगस्त छात्र निकलेंगे यहाँ से पढ़ करके, क्योंकि जब फैसला किया गया मेरे कॉलेज का तो साथ साथ में जो अस्पताल एफिलिएट होना जरूरी होता है इसको बनने वक्त लगता, मेडिकल कॉलेज समय पर शुरू हो जाए, इसलिए जयपुरिया मेडिकल कॉलेज को तैयार करके संबंध किया गया। उसका परिणाम है आज हम लोग एक तरफ तो 4 तक पूरे कर लिए छात्रों ने, दूसरी तरफ आज ये उनके खुद के मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड फौज भी बन के तैयार हो गया, जिसका शुभारंभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस भावना से ये काम चालू हुआ, नया फैसला हुआ मेडिकल कॉलेज खोलने का विश्वविद्यालय के रूप में, और मुझे बताया गया कि करीब 3 कॉलेजेस मेडिकल का चाहिएगा, डेंटल नर्सिंग तो चालू हो चुका है, और फार्मेसी संख्या जल्दी शुरू होगी। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस प्रकार से मैंने भी कहा कि सरकार अपना काम करती है, तो सरकार के साथ साथ में अगर प्राइवेट सेक्टर भी सहयोग करता है तब जाकर के हम लोग पूरी तरह कामयाब हो सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पहली बार फ्री मेडिसिन की स्कीम लागू करी, जिसकी प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी करी और पूरे देश के अनेक राज्यों ने करी। करीब 18 टीमें आई होगी जयपुर के अंदर देखने के लिए फ्री मेडिसिन और फ्री जाँचें कैसे संभव हो सकती है। मुझे खुशी का आज ऐसे में इसके अंदर जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए तो सीटी स्कैन MRI फ्री है। इस प्रकार से आने वाले वक्त में ये विश्वविद्यालय भी मेडिकल का है, ये और ज़्यादा फले फूले, और इसके यहाँ पर कोर्सेज जो अभी चालू आपने किए हैं उनमें और बढ़ोतरी हो, और किस प्रकार से हम लोग MCA के जो मापदंड होते हैं उनमें हम लोग खड़े उतर सकें, क्योंकि MCA का अपना अलग अलग मिजाज है, और MCA के कारण कई बार तकलीफ भी आती है, मजबूरी में भेजना पड़ता है डॉक्टर को अस्पताल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर MCA की इंस्पेक्शन के बाद टेम्परेरी, जिससे कि उनकी मान्यता बनी रहे,
मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को कह रहा था ये परंपरा अच्छी नहीं है, परंपरा अच्छी नहीं है। सब जगह हमारे फैकल्टी के मेम्बर हों जिससे कि बच्चों की पढ़ाई को नुकसान नहीं हो। हमारी मजबूरी सामने नहीं आए, हम खाली एमसीआई का रिकॉग्नाइजेशन कार्य करने के लिए डॉक्टरों को भेजे एक महीना दो महीने तीन महीने के लिए कि परंपराएं समाप्त हो, लंबे से चल रही है। इस बात का मुझे बहुत दुख है। अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करेंगे तो प्राइवेट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमारे गिरा साहब बैठे हुए यहाँ पर, उनको चाहिए इस पर टॉप प्रायरिटी देकर के तो रास्ता निकाले जिससे कि हम इस जो शिकायत आती है इसको हम दूर कर सकें। वैसे डिपार्टमेंट अच्छा काम करना शुरू किया है। हमारी कल्पना है कि राजस्थान जितने मेडिकल फ्री मेडिसिन का जो योजना लागू की थी, मैंने कहा कि सब जगह पर इफेक्ट है, तो हम लोगों को सपना रहना चाहिए कि आने वाले वक्त में पूरे देश के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य सेवा में श्रीमोर बने। और ये संभव है कि नौजवान हमारे डॉक्टर बन रहे हैं, इनका कमिटमेंट है, तभी इन्होंने एडमिशन लिया है डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर बनना वही चाहेगा जिसका कमिटमेंट होना चाहिए सेवा के लिए। ये प्रोफेशन सेवा का प्रोफेशन है। मैंने भी बहुत प्रयास किए थे, जब मैं पढ़ता था छात्र था तो मैंने बहुत प्रयास किए मैं भी आपकी तरह ही डॉक्टर बनूं। रात को दो तीन चार बजे मैंने पढ़ाई करी, खूब करी, उसमें पीएमटी हुआ करते थे, टेस्ट हुआ करते थे पीएमटी का। मेरा नंबर उसका आया नहीं और मैं दुर्भाग्य डॉक्टर बन नहीं पाया। हो सकता है कि मैं भी अभी डॉक्टर बन गया होता तो अभी जो हमारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं यहाँ पर सीनियर लोग, हमारे पीजी प्रधान बैठे हुए हैं, मैंने अभी देखा सुधीर मंडल जी को, कल ही उनके अपॉइंटमेंट हुआ है मैं इसके प्रिंसिपल के रूप में, जिससे आप पीछे बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि आपके जो छात्र हैं उनको पढ़ाने वाले में सीनियर मोस्ट प्रोफेसर रूप में मैं भी आपको शामिल होता हूँ। पर मैं डॉक्टर बन नहीं पाया तो राजनीति में आ गया, राजनीति में आया तो फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने का वक्त नहीं मिला। आज मैं आपके सामने आपके प्रोफेशन को मजबूती प्रदान करने के लिए खड़ा हूँ। मेरा कमिटमेंट है, मेरा मेरी सरकार का, हमारे मंत्री जी का, सबका, कि आने वाले वक्त में राजस्थान और मजबूत बने मेडिकल सेवाओं के अंदर, ये हम सबका सपना होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से तमाम बातों से संभव होगी। और अभी डॉक्टर रघु समय ने कहा कि जो मेडिकल कॉलेज आने वाली थी यूपी गवर्नमेंट के वक्त में 15 मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान बनाया था, मैं मुख्यमंत्री का हूँ, दुर्भाग्य से सरकार चली गई, 5 का आ चुकी है, वो जल्द करेंगे, बाकी लोग कैसे आए वो हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए मैं आपको ये आह्वान करूँगा कि आप लोग के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि सरकार चाहेगी कि गाँव के अंदर की ढाणियों में भी बैठे हुए लोग हैं उनको अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की गुड गवर्नेंस का पार्ट रहेगा कि कैसे हम लोग शिक्षा में और स्वास्थ्य में राजस्थान किसी राज्य से पीछे नहीं रहे, और वो तब संभव है तब आप सबका सहयोग मिले। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के अंदर, उपकरण खरीदने के अंदर जहाँ तक संभव होगा हम प्रयास करेंगे कि राजस्थान में हम लोग PHC, CHC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तमाम जगह पर मेडिकल कॉलेज की तरह ही अच्छी सुविधा मिलने का आप प्रयास करें, ये सरकार की मंशा रहेगी। आप सब यहाँ पर बता रहे हो, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आने का अवसर मिला, और जो सपना उस वक्त देखा था आज ये 10 मंजिला बिल्डिंग देख करके लगता है कि बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है। दादा बाबू कुमार का तमाम मेडिकल कॉलेज के
जितने भी कमिश्नर की टीम है, प्रशासनिक अधिकारी है, उन सबको मेरा साधुवाद। और जो आर्किटेक्ट है, उन्होंने बहुत शानदार डिजाइन की है, इसलिए उनको भी बहुत साधुवाद। इस बात का मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।